तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके घर का एयर कंडीशनर कितनी बिजली खाता है? हम में से ज़्यादातर लोग इसकी चिंता ही नहीं करते। आखिर वो बिजली का बिल भर रहे हैं, फिर आखिर आप उनसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? लेकिन ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब हमारे शहरों के मकान बिजली की खपत में सबसे आगे होंगे। ऐसे में बिजली बचाने के लिए इमारतें बनाने के तरीके और डिजाइन में बदलावों की जरूरत है। हमारे शहर तेजी से फैल रहे हैं और लोग शहरी इलाकों में काम करने और बसने के लिए आ रहे हैं। अंदाजा है कि 2050 तक भारत के 50% लोग शहरों में रह रहे होंगे। इतने लोगों के लिए जाहिर है घरों की तादाद भी कई गुना बढ़ेगी और बिजली की खपत भी। जब इतनी सारी बिल्डिंग आप बनाएंगे तो वो कहाँ से बनेगी? माल लगेगा ना बनाने में। क्या माल लगेगा? ईंट, कंक्रीट, सीमेंट, स्टील, शीशा, ये सब चीज़ें लगेंगी ना। और अगर आप इन दो दशकों में उतनी बिल्डिंग बना दें जितनी कि पिछली सेंचुरी में बनी है, पिछले 100 साल में बनी है, तो उतनी ऊर्जा की खपत जो इन बिल्डिंग मटेरियल को बनाने में हुई वो इन दो दशक में कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, कंप्रेस किया एनर्जी निकली, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं बॉम्ब। ये एक एनर्जी बॉम्ब है। आज की तारीख में जो रेजिडेंशियल सेक्टर है इसमें लगभग 15-20% हिंदुस्तान में जितनी भी बिजली की खपत होती है वो इस सेक्टर में होती है। और जैसे जैसे घर ज़्यादा बन रहे हैं, जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घरों में बिजली लग रही है और जैसे आप और हमारे घर में ज़्यादा बिजली यूज़ करने वाले अप्लायंसेस लग रहे हैं, ये खपत बढ़ रही है। अनुमान किया जाता है कि ये तिगनी हो जाएगी अगले 15 साल में। तो ये ज़रूरी है कि इसको हम किसी प्रकार से इस पर काबू पाएं। आने वाले इस संकट को भांपते हुए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने भारत के गर्म और खुश मौसम को देखते हुए बिजली बचाने के लिए बहुमंजिला रिहायशी इमारतों के लिए डिजाइन की 15 सिफारिशें की हैं। अगर हम घर ठीक से बनाएं तो जो उसमें ऊर्जा की जरूरत होगी वो 50% कम होगी बनस्बत उसके जैसे कि आज घर बनते हैं। तो हमारी उम्मीद ये है कि अधिक से अधिक लोग इन गाइडलाइंस का प्रयोग करेंगे, खास तौर से उन घरों में जहां पर की ऊर्जा की काफी खपत होती है, और इससे उनके लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन बिजली के बिल में जरूर फर्क पड़ेगा। जिन विशेषज्ञों ने डिजाइन के दिशा निर्देश बनाने में मदद की है उनका कहना है कि इन सिफारिशों की खूबी ये है कि वो बहुत आसानी से और बिना अलग से खर्चा किए लागू की जा सकती है। अब हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो एनर्जी है वो घर को ठंडा करने के लिए जो है खर्च होती है, और उसके लिए हमें ज़रूरी है कि बिल्डिंग के अंदर जो बाहर से आने वाली गर्मी है हम उसे रोक पाएँ। तो उसके लिए जो है वॉल, जो हमारे दीवारें हैं उसमें इंसुलेशन की ज़रूरत है, जो छत है उसमें इंसुलेशन की ज़रूरत है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हम अपने जो विंडोज़ बनाते हैं विंडोज़ प्रॉपरली शेडेड होनी चाहिए। लेकिन डिज़ाइन करते समय बिल्डर इन सिफारिशों को अपनाएं उसके लिए क्या करना चाहिए? हालांकि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के दायरे में इमारतों पर निगाह रखने के अलावा ऐसे चलन को बढ़ावा देना भी है, लेकिन वो ऊर्जा संरक्षण बिल्डिंग कोड सिर्फ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को दे सकता है, रिहायशी प्रोजेक्ट्स को नहीं। यानी पर्यावरण संबंधी नियम लागू करने की जिम्मेदारी क्षेत्र की नगर पालिकाओं के जिम्मे आती है। हाल में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ऐलान किया कि वो ग्रीन इमारतों को बढ़ावा देने के लिए FAR और प्रॉपर्टी टैक्स में रियायत जैसे कदम उठाएगा, लेकिन आर्किटेक्ट इससे सहमत नहीं है। अगर आपने बिल्डिंग की हाइट 2 या 3 मंजिल बढ़ा दी तो वो जो आखिरी 3 मंजिलें हैं उनकी वजह से जो आपकी ऊर्जा की खपत होती है बिल्डिंग को चलाने में, लोगों को ऊपर नीचे पहुंचाने में, पानी को ऊपर पंप करने में, विंड लोड्स या अर्थक्वेक लोड्स को सहने में, वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो आप कहते हैं ना ये तो सस्टेनेबल डिज़ाइन है, उसका वो नेगेटिव में चला जाता है। आम तौर से बिल्डरों का रवैया मकानों के ब्रोकर जैसे रहता है। इसे देखते हुए ग्रीन इमारतें अपनाने की पहल व्यवस्था के अंदर से आई है। हाउसिंग फाइनेंस देने वाले अब मांग कर सकते हैं कि वो केवल ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए ही पैसा देंगे।
इसके अलावा एक भरोसेमंद सर्टिफिकेशन सिस्टम भी बनाया जा सकता है। वसुधा शर्मा, NDTV।